नमस्कार, वेलकम टू गुरुकुलम क्लासेस। आज बात असेसमेंट एंड इवेलुएशन की, आकलन व मूल्यांकन की। इसमें हम बात करेंगे कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवेलुएशन, सतत व व्यापक मूल्यांकन, टाइप ऑफ इवेलुएशन, मूल्यांकन के प्रकार, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइज एग्जाम, मानक परीक्षा के गुण और टेक्निक्स ऑफ इवेलुएशन, परीक्षण की तकनीक या मूल्यांकन की तकनीक। तो लेट्स स्टार्ट। इवेलुएशन में सबसे पहले बात करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एंड स्टैंडर्डाइज एग्जामिनेशन, एक मानक व अच्छी परीक्षा के गुण क्या हैं। इसके ऊपर सी टैट ने और DSSB में पिछली बार भी डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहला गुण वैलिडिटी, वैधता। वैधता से तात्पर्य है कि जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कोई एग्ज़ाम बनाया गया है वह उसको पूरा करते हुए हो वह पेपर। वैलिडिटी इज द एक्सटेंट टू विच द टेस्ट मेजर वट इट्स क्लेम टू मेजर, कि वो जो जिसको क्लेम कर रही हो कोई एग्ज़ाम कोई पेपर कि मैं इस उद्देश्य को पूरा करेगा वो पेपर, उसी उद्देश्य को पूरा करने में समर्थ होना चाहिए जिस उद्देश्य से वो बनाया गया हो। दूसरा है रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। रिलायबिलिटी रेफर्स टू द लाइकनेस ऑफ द स्कोर एंड आउटकम्स टू बी रिपीटेड इन द सेवरल डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ द टेस्ट टेकर एट डिफरेंट इंटरवल और टाइम, मतलब डिफरेंट इंटरवल और टाइम में डिफरेंट पॉपुलेशन या डिफरेंट जो टेकर हैं टेस्ट के, जो देने वाले हैं परीक्षा के, वो बार बार वैसा ही रिजल्ट लाए, वैसा ही स्कोर लाए। ये नहीं कि पहली बार किसी बच्चे ने एग्ज़ाम दिया तो 50 में से 2 नंबर आए, दूसरी बार दिया तो 50 में से 48 आए, तीसरी बार फिर दिया वही पेपर तो 50 में से 3 आए, तो रिलायबल एग्ज़ाम नहीं है। हिंदी में देखते हैं ऐसी परीक्षा जिसके द्वारा छात्रों के कौशल व ज्ञान की माप विभिन्न समय में समान ढंग से होती हो। इसमें अगर पेपर देने वाले भी बदलते हैं, सपोज थर्ड क्लास का मतलब बच्चे दे रहे हैं और दूसरे थर्ड ए के सेक्शन के बच्चे दे रहे हैं और थर्ड बी के दे रहे हैं, तो मोर और लेस एवरेज सेम आनी चाहिए। दूसरे उसमें कह सकते हैं कि समय पे, मतलब अब एग्ज़ाम ले रहे हैं, एक महीने बाद एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो भी मोर लेस सेम ही रिजल्ट आना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो रिलायबल है और ऐसा नहीं है तो परीक्षा रिलायबल नहीं है। अगला है कंप्रिहेंसिवनेस, समग्रता, कि इतने प्रश्न जरूर होने चाहिए कि आप उसको टेस्ट कर पाओ कि बच्चे ने एक कोई भी कंटेंट सीख लिया है नहीं सीख लिया। सिर्फ एक क्वेश्चन से आप जज नहीं कर पाओगे कि बच्चे ने क्वेश्चन सीखा नहीं सीखा है। आपने एडिशन का सिर्फ एक सवाल दिया, बाय चांस बच्चे से वही गलत हो गया, तो आप ये नहीं कह सकते कि बच्चे को एडिशन नहीं आता। उसके लिए कम से कम कुछ क्वेश्चन ज़रूर होने चाहिए, इतने क्वेश्चन कि आप इवेल्युएट कर पाओ कि बच्चे को उस कंटेंट पर पकड़ हासिल हो चुकी है या नहीं हुई है, तो समग्रता होनी आवश्यक है। अगला है ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता। इसका तात्पर्य है कि मतलब जो प्रश्न जो दिए गए हैं, जो क्वेश्चंस दिए गए हैं और जो मूल्यांकन हम कर रहे हैं, जो इवेल्यूएशन कर रहे हैं, दोनों ही ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, दोनों में ही ऑब्जेक्टिविटी होनी ज़रूरी है, मीनिंग ऑफ क्वेश्चंस में और साथ ही साथ इवेल्यूएशन में भी। मतलब किसी प्रकार का कोई इवेल्यूएशन में जो पहले बात करते थे, खैर क्वेश्चन की ऑब्जेक्टिविटी की, क्वेश्चन की ऑब्जेक्टिविटी से क्या तात्पर्य है कि क्वेश्चनों का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि सभी छात्र उसका समान ढंग से अर्थ निकाल सकें, कि एवरी स्टूडेंट शुड इंटरप्रेट द सेम मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन, कि सभी बच्चे जो हैं क्वेश्चन का सेम मीनिंग इंटरप्रेट करें। उत्तरों के मूल्यांकन की बात करते हैं कि उसमें जो वस्तुनिष्ठता है वो ऐसी होनी चाहिए कि शिक्षक एक स्पष्ट परिभाषित एवं वैज्ञानिक आधार पर मूल्यांकन करे, कि एक डिफाइंड वे में उसका इवेल्यूशन करें, किसी साइंटिफिक मेथड से या साइंटिफिक बेस बना के उसका इवेल्यूशन करें। ऐसा ही नहीं कि बिना किसी बेस के आप इवेल्यूशन कर रहे हो, तो वो एक ऑब्जेक्टिविटी पूरी नहीं करेगा उस तरह का इवेल्यूशन। नेक्स्ट है प्रैक्टिकलिटी, व्यवहारिकता, कि जो भी क्वेश्चन हो, जो भी एग्ज़ाम हो, वो व्यवहारिक हो, अनुपयुक्त ना हो, उसमें ज़्यादा एक्सपेंस ना लगे या ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ना हो, ऐसा ना हो कि बच्चा इजीली जो अनएथिकल मीन्स हैं, अनुचित साधन है, उनका उपयोग कर सके। तो एग्ज़ाम ऐसा होना चाहिए कि बच्चा फेयर ढंग से अपना एग्ज़ाम दे सके। लास्ट है नॉर्म्स, नॉर्म्स में आयु मानक, एज नॉर्म्स, ग्रेड नॉर्म्स और परसेंटाइल नॉर्म्स और स्टैंडर्ड स्कोर नॉर्म्स, एक एक की बात करते हैं। एज नॉर्म्स मतलब किसी स्पेसिफिक एज ग्रुप के लिए हो और उसी एज ग्रुप में वो फिट बैठता हो वो क्वेश्चंस, ये ना हो कि आप फर्स्ट क्लास के बच्चे को थर्ड क्लास का क्वेश्चन पेपर पकड़ा रहे हो। ग्रेड नॉर्म्स में भी यही कि एक ग्रेड के बच्चों के लिए होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप लोअर ग्रेड वाले को हायर ग्रेड सारे क्वेश्चन आपने मुश्किल दे दिए और आपने क्वेश्चन दे दिए लोअर ग्रेड वालों को, तो वो नहीं कर पाएंगे। परसेंटाइल नॉर्म्स की क्वेश्चंस जो होते हैं, एक क्वेश्चन पेपर में एक ब्लूप्रिंट बनता है, उसमें कुछ परसेंटाइल नॉर्म्स होते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने होंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने होंगे, एप्लीकेशन बेस कितने होंगे, फैक्चुअल क्वेश्चन कितने होंगे, तो वो सारे चीज़ों को पूरा करता हुआ वो कोई भी एग्जामिनेशन। स्टैंडर्ड स्कोर नॉर्म्स की जो
ऐसा पेपर सेट होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि इतना कठिन बना दे कि कोई भी स्टैंडर्ड मार्क्स अटेंड ही ना कर पाए कोई भी बच्चा, बच्चे डिमोरलाइज हो जाएं, 100 में से 12 नंबर मैक्सिमम आ रहे हैं, तो ऐसे एग्ज़ाम का कोई फ़ायदा नहीं है। तो स्टैंडर्ड स्कोर नॉर्म्स भी कोई भी पेपर पूरा करने वाला होना चाहिए। इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं जो DSSB पूछ चुका है। ए स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग मेथड मस्ट हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज़। एक मानक परीक्षण विधि में निम्नलिखित में से कौन से गुण होने चाहिए? इवैल्यूएशन एंड यूजिबिलिटी, मूल्यांकन और प्रयोज्यता, वैलिडिटी एंड इवैल्यूएशन, वैधता और मूल्यांकन। थर्ड है कंप्रिहेंसिवनेस, इवैल्यूएशन एंड प्रैक्टिकलिटी, विस्तृतता, मूल्यांकन और व्यवहार्यता। फोर्थ है वैलिडिटी, रिलायबिलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, वैधता, विश्वसनीयता और व्यवहार्यता। तो आप देखिए, इवैल्यूएशन तो कोई गुण नहीं है किसी भी ऑब्जेक्टिव, इसमें जो 5 मैंने बनाए हैं इसमें आप फोर्थ आप देखेंगे तो वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और प्रैक्टिकलिटी, वैधता, विश्वसनीयता और व्यवहार्यता, ये तीनों होने आवश्यक है, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। आगे चलते हैं। ऑन फर्दर एनालिसिस इट इज़ फाउंड दैट ए टेस्ट डज नॉट एडिक्वेटली मेजर दोज एट्रीब्यूट्स विच इज़ विच इट वॉज डिज़ाइन फॉर द टेस्ट हैज़ पुअर। कि आगे विश्लेषण में यह पाया गया कि एक परीक्षण उन पहलुओं का पर्याप्त रूप से नहीं माप कर पाया जिसके लिए उसे बनाया गया था। तो ये मैंने सीधा बताया था कि ये वैलिडिटी वाला है, वैधता वैध नहीं है, वो जिस ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया था वही ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं कर पा रहा। आप देख लीजिए, फर्स्ट ही मैंने बताया था कि निश्चित उद्देश्य को पूरा करने में समर्थ होना चाहिए। वैलिडिटी इज द एक्सटेंट टू विच द टेस्ट मेजर वट इट क्लेम टू मेजर। तो इसका आंसर है वैलिडिटी, वैधता। आगे चलते हैं। टाइप ऑफ इवैल्यूएशन, आप इवैल्यूएशन किस किस तरीके से कर सकते हो? 3 क्लासिफिकेशन है। पहला है फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक आकलन। DSSB ने जो क्वेश्चन दिया था उसमें इसकी हिंदी दी थी निर्माणात्मक, लेकिन रचनात्मक ज़्यादा सही मीनिंग है फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए। देखते हैं क्या होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट और सम्मेटिव से एक ऐसे अलग है। फॉर्मेटिव असेसमेंट इन नेचुरल एंड कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। किसी भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का यह प्राकृतिक व सतत भाग है। पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आप नेचुरल वे से और कंटिन्यूअस वे से आप असेसमेंट जो करते हो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है। आप पढ़ाते हो, जो भी असेसमेंट कर रहे हो बच्चे का, वो सारा इसमें आता है। टीचर आर इवेलुएटिंग स्टूडेंट लर्निंग विदाउट नोइंग इट। बच्चों को पता भी नहीं होता कि उनका इवेल्यूशन हो रहा है और उस टाइम टीचर उनको इवेलुएट कर रहा होता है। स्ट्रेटेजीज क्या हैं जो हम फॉलो करते हैं इवेल्यूशन में, फॉर्मेटिव असेसमेंट के इवेल्यूशन में? ऑब्जर्वेशन, टीचर जो ऑब्जर्वेशन करता है बच्चों का, ऑब्जर्व करता है बच्चे को, हैविंग स्टूडेंट रीड आउट लाउड, बच्चे को बोलना कि वो तेज़ तेज पढ़े, आस्किंग क्वेश्चंस, बच्चे को क्वेश्चंस पूछना क्लास में। तो बहुत सारे मेथड है इवेल्यूशन करने के फॉर्मेटिव असेसमेंट के। नेक्स्ट है सबमेटिव। सबमेटिव होता है जब आप कोई भी चैप्टर, मतलब कोई भी कंटेंट पूरा करा लो या कोर्स पूरा करा लो या एकेडमिक ईयर के लास्ट में जो आप टेस्ट लेते हो वो सारी चीज़ें सबमेटिव असेसमेंट में आती है। ये चेक पॉइंट है एक तरह से एट द एंड ऑफ द ईयर और कोर्स। कोई भी कोर्स पूरा कराने के बाद टर्मिनल एग्जाम जो आप लोगे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म या फिर एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर जो आप टेस्ट लोगे, जो पेपर लोगे, वो सारे सबमेटिव असेसमेंट में आते हैं। सत्र के अंत में या पाठ्यक्रम के अंत में जो वैल्यूएशन होता है वो सबमेटिव असेसमेंट होता है। योगात्मक आकलन, नॉट एबल टू एक्सेस ओनली वन कॉन्सेप्ट डीपली। किसी भी एक कॉन्सेप्ट को डीपली इवेलुएट नहीं कर सकते आप सबमेटिव में, जबकि आप फॉर्मेटिव में कर सकते हो। क्वेश्चंस पूछ के जब भी आप लेसन पढ़ा रहे हो साथ साथ आपने 10-12 क्वेश्चन पूछ लिए, तो आप फॉर्मेटिव में किसी भी कंटेंट को या कॉन्सेप्ट को आप डीपली इवेलुएट कर सकते हो कि बच्चे ने कितना सीखा, लेकिन सबमेटिव में आप नहीं सीख सकते। सपोज परसेंटेज का ही है, आप पूरे अकेडमी के लास्ट में जो पेपर दे रहे हो उसमें आप कितने क्वेश्चन पूछ लेंगे, लेकिन आपको अगर डीपली किसी का असेसमेंट करना है किसी कंसेप्ट का, तो आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी, ना कि सबमेटिव की। सबमेटिव में आप ओवरऑल असेसमेंट कर सकते हो। कि अगला है डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, निदानात्मक परीक्षण। इसका जो मेन एम है वो छात्रों के अधिगम में आने वाली कठिनाइयों और उसकी असफलता के कारण को खोजना होता है कि बच्चे ने लर्न किया उसमें उसको क्या प्रॉब्लम्स आई, या बच्चा लर्निंग में फेल हो गया, या क्या उसकी वीकनेस है, या क्या उसकी स्ट्रेंथ है, कितना सीख पाया कितना नहीं सीख पाया, या फिर उसके पूर्व ज्ञान का भी आपको पता लगाना। तो अभी आप डायग्नोस्टिक टेस्टिंग कर सकते हो प्रायर नॉलेज का पता लगाना हो तो, या फिर बच्चे के अंदर कोई मिसकंसेप्शन किसी कॉन्सेप्ट को लेके कोई गलतफहमी है उसका पता लगाना है तो अभी आप डायग्नोस्टिक टेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा टीचर अपनी टीचिंग में भी पता लगा सकता है कि अगर मैक्सिमम बच्चे ही गलत कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो क्या पता टीचर की ही टीचिंग में कोई डिफॉल्ट हो, कोई फॉल्ट हो। तो टीचर यूज डायग्नोस्टिक टेस्टिंग इन्फॉर्मेशन टू गाइड व्हाट एंड हाउ दे टीच, कि वो कैसे पढ़ा रहे हैं और क्या पढ़ा रहे हैं, इसका भी परीक्षण किया जा सकता है डायग्नोस्टिक में।
विच क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन का एक उपयुक्त उपकरण नहीं है? असाइनमेंट, असाइनमेंट बिल्कुल है, कक्षा में जो असाइनमेंट देते हैं, होम असाइनमेंट हो सकते हैं, क्लासरूम असाइनमेंट्स हो सकते हैं, वो है। ओरल क्वेश्चन, कक्षा में आप ओरल क्वेश्चन पूछ रहे हो बच्चे में, वो भी है। क्विज़, क्विज़ भी है, प्रश्नोत्तरी आप क्लास में पूछ रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्विज़ करा रहे हो, क्विज़ कंपटीशन करा रहे हो बच्चों में, वो भी है। लेकिन टर्म टेस्ट इसमें नहीं आएंगे, टर्म टेस्ट सम्मेटिव का है, योगात्मक परीक्षण का उपकरण है, ना कि रचनात्मक मूल्यांकन का। आगे चलते हैं, विच टाइप ऑफ असेसमेंट इज़ यूज फॉर आइडेंटिफाइंग लर्निंग डिफिशेंसीज। जो लर्निंग डिफिशेंसी है उसको पता लगाने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है, कौन सा मूल्यांकन प्रयुक्त होता है? फर्स्ट है फॉर्मेटिव रचनात्मक, यहाँ हिंदी सही दी है, डी एस एस बी ने फॉर्मेटिव की रचनात्मक। अनस्ट्रक्चर्ड एसन रचनात्मक नहीं। डायग्नोस्टिक निदानात्मक मैंने बताया अभी, थर्ड वाला जो मैंने बताया था इवेल्युएशन डायग्नोस्टिक, किसी के लिए होता है, कमियाँ पता लगाने के लिए, जो शॉर्ट कमिंग्स है किसी भी टीचिंग की या किसी कंटेंट पे बच्चा क्या समझ नहीं पाया, क्या मिसकंसेप्शन, उसका पता लगाने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, निदानात्मक परीक्षण होता है। नेक्स्ट है टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएशन, इवेल्युएशन की जो तकनीक है वो क्या क्या है? वैसे तो बहुत सारी, लेकिन मैंने जो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वो ही लिया है इस टॉपिक में। कम्युनिटिव रिकॉर्ड, संचयी अभिलेख, इसमें क्या होता है संचयी अभिलेख, संचयी होता है कम्युनिटिव, एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़, दूसरी के बाद तीसरी चीज़, जब हम जोड़ जोड़ के रखते जाते हैं तो उसको कम्युनिटिव बोलते हैं। तो इसी तरह बच्चों का स्थायी रिकॉर्ड जो हम विद्यालय या जो उसका टीचर है वो जोड़ जोड़ के रखता जाता है, एक के बाद दूसरा रिकॉर्ड, दूसरे के बाद तीसरा, उसका संपूर्ण रिकॉर्ड आ जाता है, उसको कम्युनिटिव रिकॉर्ड बोलते हैं। परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ए स्टूडेंट विच इज़ कैप्ट अप टू डेट बाय स्कूल और बाय और हर टीचर, विद्यार्थियों का स्थायी रिकॉर्ड। एजुकेशनल हिस्ट्री विद इंफॉर्मेशन अबाउट हिज स्कूल अचीवमेंट, उसकी पूरी एजुकेशनल हिस्ट्री आएगी, शैक्षणिक इतिहास आएगा इसमें, जिसमें उसकी स्कूल में जो अचीवमेंट है, जो विद्यालय में उपलब्धि है वो, उसकी अटेंडेंस, उपस्थिति विद्यालय में, उसके टेस्ट स्कोर्स, उसका हेल्थ, उसका स्वास्थ्य, कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ या शैक्षणिक क्रियाकलाप या और भी कोई ऐसी एक्टिविटीज़ जो एक्ट या डाटा हो इम्पोर्टेंट, वो सारा जिसमें हम रखते हैं उसको कम्युलेटिव रिकॉर्ड बोलते हैं, संचयी अभिलेख। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स नेक्स्ट है, हिंदी में भी एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स ही बोलेंगे। शॉर्ट ऑब्जेक्टिव, दोनों तरह का हो सकता है, ऑब्जेक्टिव भी और डिस्क्रिप्टिव भी। समरी ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टूडेंट बिहेवियर, स्टूडेंट के बिहेवियर की ऑब्जर्व करने के बाद जो हम समरी लिखते हैं या स्किल्स की या एटीट्यूड की, वो सारा एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स में आता है। इन ए पार्टिकुलर एनवायरनमेंट एंड सिचुएशन, किसी खास वातावरण या खास स्थिति में छात्र के व्यवहार कौशल या अभिवृत्ति का निरीक्षण करके संक्षिप्त लेखन। सपोज कक्षा में आप शांत बैठे और आपने ऑब्जर्वेशन शुरू कर दिया कि बच्चे क्या कर रहे हैं, आपने कोई काम दिया उसके बाद आपने ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया कि बच्चे क्या कर रहे हैं, तो वो आप लिखते गए कि हाँ एक बच्चा ये कर रहा है, एक बच्चा ये कर रहा है, एक बच्चा ये कर रहा है, वो सारा रिकॉर्ड जो होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड में आता है। या फिर आपने लंच के टाइम देखना शुरू कर दिया कि बच्चा कैसे खाना खा रहा है, बच्चा खाना खाते वक्त गिरा रहा है, उसके बाद वो हाथ धोने जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो मतलब कोई भी चीज़, कोई भी किसी भी एनवायरमेंट में, किसी भी सिचुएशन में जो आप ऑब्जर्व करके आप उसकी समरी लिखते हो नोटबुक में या किसी भी एक बुक में, उसको एनेक्डोटल रिकॉर्ड बोलते हैं। एक तरह से ब्रीफ स्टोरी है किसी भी घटना की, किसी भी घटना या किसी भी बच्चे ने किसी खास सिचुएशन में क्या चीज़ की उसकी। फॉर इंस्टेंस द टीचर में जोट डाउन, क्या जोट डाउन कर सकता है टीचर? एनेक्डोट्स अबाउट हाउ ए चाइल्ड एक्सप्लोर थ्रो हिज हर सेंसेस, क्रिएट विद मटेरियल्स, डिस्प्ले लीडरशिप। किसी भी उसमें बच्चा कैसे अपने सेंसेस से अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा है, कैसे समझ पा रहा है, किसी भी मटेरियल से क्या चीज़ बना पा रहा है, किसी ग्रुप में अगर कोई एक्टिविटी दी आपने तो उसमें लीडरशिप डिस्प्ले कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, या कोई भी एक्टिविटीज़। एक एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है कि यहाँ छोटी क्लास के बच्चे का एग्जांपल है, ही क्राइड टुडे व्हाइल, फॉर ए व्हाइल ही क्राइड, डेट वाइज मैंशन कर रखा है, ही क्राइड ए लोट, शी मेस्ड अप विद हर नेबर्स, की बॉदरिंग, अलग अलग चीज़ें दे रखी हैं, तो ऐसे ही नोट कर सकते हैं, सारा एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स में आता है। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो क्या होता है? कंपाइलेशन, एक तरह से कंपाइलेशन है, कंपाइल करते हैं किसको? एकेडमिक वर्क को और अदर फॉर्म ऑफ स्टूडेंट वर्क, स्टूडेंट की क्रियाकला, शैक्षणिक व अन्य प्रकार के क्रियाकलापों का संकलन है पोर्टफोलियो। एक तरह का फोल्डर हो सकता है या फाइल हो सकती है, आजकल डिजिटल पोर्टफोलियो भी बन रहे हैं बच्चों के। कंटेनिंग स्टूडेंट बेस्ट पीसेज एंड स्टूडेंट्स इवेल्युएशन ऑफ द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द पीसीज, मतलब बच्चे ने कोई भी ड्राइंग बनाई, कोई भी ऐसे लिखा,
कोई भी कल्चरल एक्टिविटी में भाग लिया उसकी फ़ोटो, कोई आर्टिफैक्ट बनाया उसकी फ़ोटो, उन सारी चीज़ों को एक फाइल में या एक फोल्डर में इकट्ठा करना, वो सारी जो एक फोल्डर बनेगा उसको पोर्टफोलियो बोलते हैं। इससे पोर्टफोलियो आर वैल्यूड एज एन असेसमेंट टूल बिकॉज एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लासरूम बेस्ड परफॉर्मेंस दे कैन बी फुल्ली इंटीग्रेटेड इन द करिकुलम। जो उसने क्लास में परफॉर्मेंस दी उसके बेस पे आप करिकुलम के साथ उसको जोड़ सकते हो कि बच्चे ने क्या क्या किया, उसमें पूरा रिकॉर्ड होता है। यहाँ रिटर्न रिकॉर्ड नहीं होता, यहाँ उस चीज़ की कॉपी रखी जाती है, कि उस चीज़ को ओरिजिनल में रखा जाता है, उसकी कॉपी रखी जाती है पोर्टफोलियो में। सपोज़ बच्चे ने कोई आपने टेस्ट लिया उसमें ऐसे दिया, बच्चे ने काफ़ी अच्छा ऐसे लिखा है, या आपने कुछ बनाने के लिए दिया, उसने एक बहुत बढ़िया सी ड्राइंग बनाई है, आपने उसी को ओरिजिनली उसकी एक फाइल में लगा दिया, उसकी फ़ोटो खींच के लगा दिया, आपने उससे पोट्री बनवाई, उसने बहुत अच्छा पोर्ट बनाया, आपने उसकी फ़ोटो खींच के पोर्टफोलियो में लगा दिया। डांस में बच्चे ने अच्छे से भाग लिया, आपने फ़ोटो खींची, उसी फ़ोटो को पोर्टफोलियो में लगा दिया, वो सारी चीज़ें कंप्लीट फाइल बन जाती है उसके वर्क की, उसको पोर्टफोलियो बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप इजी है, लेकिन फिर भी एक चीज़ दो तीन डाउट्स हैं बच्चों में जो वो क्लियर कर दूं। ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है? ओपन एंडेड क्वेश्चन में बच्चे को ऑप्शन होता है कि वो अपनी समझ को अपने हिसाब से लिख सके। सपोज आपने ऐसे दे दिया या कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि अगर गांधी जी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ना होते, इंडियन नेशनल मूवमेंट में ना होते, तो भारत की क्या स्थिति होती उस टाइम पे, या इफ़ एंड बट के कोई क्वेश्चन दे दिया, अगर ऐसा होता तो अगर आप प्रधानमंत्री होते तो आप क्या करते। ये मुक्त अंत वाले प्रश्न है, बच्चा अपनी समझ से अपनी कल्पना शक्ति से इनके आंसर देता है। आपने कोई ऐसे दे दिया तो ऐसे भी बच्चा अपने माइंड से आंसर देगा, ना कि रट के। जबकि बंद अंत वाले में, क्लोज एंडेड वाले में, ये ऑप्शन बंद हो जाता है, बच्चे को पार्टिकुलर एक आंसर देना पड़ता है। आप सपोज आपने पूछा कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था, या फिर वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो बच्चा वही आंसर देगा, एक ही ऑप्शन है उसके पास अगर सही आंसर देना है तो बच्चे की अगर क्रिएटिविटी को चेक करना है, उसकी समझ को देखना है, तो मुक्त अंत वाले प्रश्न देने चाहिए, ना कि बंद अंत वाले। अगला जो क्लासिफिकेशन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप या सब्जेक्टिव टाइप, वस्तुनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ, मेरे ख्याल से सबको पता होगा, फिर भी बता देते हैं। वस्तुनिष्ठ में सारे जो जिसमें ऑप्शन साथ में दिए रहते हैं आंसर के, एमसीक्यूज आ जाते हैं, ट्रू फॉल्स मैचिंग आ जाते हैं, मैच द फॉलोइंग फिलअप्स आ जाते हैं, ओड वन आउट, ये सारे ऑब्जेक्टिव में आते हैं। और सब्जेक्टिव में क्वेश्चंस देके आप बच्चों से आंसर लिखवाते हो, उसमें बच्चे को लिखना पड़ता है। एक नया और कॉन्सेप्ट है ओपन बुक टेस्ट या क्लोज बुक टेस्ट, खुली किताब परीक्षा या बंद किताब परीक्षा। इसमें बच्चों को बुक्स या स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी हेल्प से बच्चा आंसर ढूंढता है। जैसे कंप्रिहेंशन दे दिया, उसके नीचे उससे रिलेटेड क्वेश्चन दे दिए, बच्चा उसमें से ढूंढ रहा है, उसकी रीडिंग स्किल का पता लगाने के लिए या उसकी कंटेंट पे पकड़ को का पता लगाने के लिए ओपन बुक टेस्ट यूज़ होता है, और उसकी मेमोरी यूज़ करने के लिए बंद किताब परीक्षा यूज़ की जाती है, क्लोज बुक टेस्ट। आजकल इसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, खुली किताब परीक्षा। क्वेश्चन देखते हैं, स्टूडेंट राइटिंग स्टाइल एंड पावर्स ऑफ द एक्सप्रेशन आर बेस्ट टेस्टेड बाय, कि विद्यार्थी की लेखन शैली और अभिव्यक्ति की शक्ति किसके द्वारा अच्छी तरह से परीक्षण की जा सकती है या की जाती है। वर्बल क्वेश्चंस एंड आंसर इन द क्लासरूम, कि कक्षा में मौखिक प्रश्न और उत्तर मौखिक प्रश्न से या वर्बल क्वेश्चन से उसकी लेखन शैली राइटिंग स्किल नहीं ऑब्जर्व की जा सकती, तो फर्स्ट ऑप्शन है नहीं। स्टैंडर्डाइज टेस्ट एम्प्लॉइंग ऑब्जेक्टिविटी टाइप क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न मानकीकृत परीक्षण। वस्तुनिष्ठ प्रकार में मैंने बताया कि लेखन शैली ज़्यादा हो ही नहीं सकती, उसमें तो आंसर दिए रहते हैं, बस मैच द फॉलोइंग या फिल इन द ब्लैंक्स या एमसीक्यू होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आप उसकी जो राइटिंग स्टाइल है वो नहीं पता कर सकते। थर्ड ऑप्शन है टेस्ट रिक्वायरिंग डिस्क्रिप्टिव आंसर, कि विस्तृत उत्तर वाले परीक्षण। बिल्कुल सही है, जब डिस्क्रिप्टिव आंसर वाले आप क्वेश्चन दोगे तो बच्चा की लेखन शैली आप पता कर सकते हैं। और फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन नहीं है तो ऑल ऑफ द अबव हो ही नहीं सकता, उपयुक्त सभी नहीं हो सकता, तो सी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीसीई, कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव इवेल्युएशन, सतत व व्यापक मूल्यांकन। शब्दों से ही क्लियर है, सतत व व्यापक। सतत मतलब जो पूरे साल या पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कंटिन्यू चलता रहे, सतत रूप से चलता रहे। व्यापक मतलब गहन रूप से, कंप्रिहेंसिवली जब हम किसी चीज़ को इवेल्युएट करते हैं तो उसको सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में लागू किया गया था। अगर जनरलाइज वे में बात की जाए तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर इंडियन कंटेक्स्ट की बात की जाए, इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, तो यहाँ सीसी का मतलब जो RTE एक्ट 2009 में लागू किया गया था, सीसी की बात उसी के संदर्भ में की जा रही है, और इसी के संदर्भ में करते भी हैं क्वेश्चंस में।
एम क्या था इसका कि टू एवेलुएट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ देयर स्कूल प्रेजेंट एट द स्कूल, उनकी स्कूल में जो प्रेजेंस है उसके दौरान जो भी वो काम करते हैं, जो भी क्रियाकलाप करते हैं, उसके प्रत्येक आयाम का मूल्यांकन इसके अंदर आता है सीसीई में। रिड्यूस नेक्स्ट है रिड्यूस द प्रेशर ऑन द चाइल्ड ड्यूरिंग एंड बिफोर एग्जामिनेशन, कि छात्रों में परीक्षा का तनाव कम करने हेतु परीक्षा के टाइम भी या परीक्षा से पहले भी जो तनाव उनके अंदर आता है उसको कम करने के लिए सीसीई लागू किया गया था। इवेलुएटेड थ्रू ए सीरीज ऑफ करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर इवेलुएशन, करिकुलर भी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनके थ्रू इवेलुएशन होता है इसमें सी सी ई में। ओनली ग्रेड्स आर अवार्डेड, मार्क्स नहीं दिए जाते, ग्रेड्स अवार्ड किए जाते, ग्रेड्स दिए जाते हैं किसके बेस पे, वर्क एक्सपीरियंस स्किल्स, उनकी डेक्सटैरिटी, इनोवेशन, स्टडीनेस, टीम वर्क, पब्लिक स्पीकिंग एंड बिहेवियर एक्सेट्रा। शैक्षणिक उपलब्धि, कौशल, योग्यता, बुद्धिमत्ता, मौलिकता, धैर्य, व्यवहार के आधार पर जो ग्रेडिंग दी जाती है वो सारे सीसीई के अंदर आती है। सीसीई में ग्रेडिंग ही दी जाती है, मार्क्स नहीं दिए जाते। इसमें जो फॉर्मेटिव टेस्ट होते हैं वो 4 बार होते हैं पूरे एकेडमिक ईयर में, और 40% वेटेज होती है इस पर, नज़र मारिएगा, 40% इसमें होती है। सबमेटिव की 60% वेटेज होती है, क्वेश्चन आ चुका है, फॉर्मेटिव की 40%, सबमेटिव की 60, सबमेटिव होता है योगात्मक जो लास्ट में हम एग्जाम लेते हैं, 2 बार होते हैं साल में, और फॉर्मेटिव 4 बार होते हैं, और इसी के बेस पे जो परसेंटेज आती है 60, 40 और 60 दोनों को मिला के जो परसेंटेज बनती है उसके बेस पे सीजीपीए निकालते हैं, कमलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, सीजीपीए मार्क्स मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं सॉरी, ग्रेड मिलती है बच्चे को, कमलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज बोलते हैं इसको। अच्छा, टीचर का इसमें मेजर रोल है, क्यों मेजर रोल क्यों है, क्योंकि सिर्फ योगात्मक में तो बच्चा लास्ट में एक पेपर दिया, कमी रहेगी तो दोबारा उसको सुधार नहीं सकते, या तो बच्चा पास होगा या फेल होगा, लेकिन फॉर्मेटिव और सबमेटिव दोनों हैं तो कमी जो रह गई उसको सुधारा जाता है, रेमेडियल हेल्प दी जाती है, बच्चे को उपचारात्मक शिक्षा दी जाती है अगर जहाँ भी बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट समझने में कमी रह गई तो। मेंटेन ए टर्म वाइज रिकॉर्ड एंड चेकलिस्ट, टीचर पूरी टर्म वाइज रिकॉर्ड्स बनाता है, चेकलिस्ट बनाता है बच्चे ने क्या क्या सीखा, क्या क्या चीज़ों में कमी रह गई, और उसके हिसाब से उपचारात्मक शिक्षण भी देता है। 10th क्लास तक ये लागू किया था लेकिन अभी ये दोबारा से रिमॉडल कर दिया गया है लास्ट ईयर ही 2017 में, तो एक क्वेश्चन टीजीटी में आ सकता है इसके अकॉर्डिंग, पीआरटी में संभावना कम है। रिमॉडल असेसमेंट पैटर्न क्या था 2017 में जब इसको कैंसिल कर दिया गया था, किसके लिए, 10th क्लास के लिए, 10th की बोर्ड एग्जाम के लिए, तो रिमॉडल असेसमेंट पैटर्न अपनाया गया था 10th क्लास के असेसमेंट के लिए, तो ये क्वेश्चन बन सकता है टीजीटी के लिए। क्वेश्चन जो आए हुए हैं इसके बेस पे सीसी इन सीसी व्हाट परसेंट इस फॉर्मेटिव असेसमेंट, मैंने बताया सीसी में निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन का कितना प्रतिशत होना चाहिए, 40% है, और सम्मेटिव का 60%, विच इज़ नॉट ट्रू ऑफ सी सी सिस्टम, सी सी के बारे में क्या चीज़ सत्य नहीं है। एनकरेज स्पिरिट ऑफ कंपटिशन अमंग स्टूडेंट, बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ाता है हो सकता है, लेकिन पूछा है सत्य नहीं है। आइडेंटिफाइंग लर्निंग प्रोग्रेस ऑन स्मॉल पोर्शन ऑफ कंटेंट, सामग्री के छोटे हिस्से पर सीखने की प्रगति की पहचान करता है, बिल्कुल सही। फॉर्मेटिव असेसमेंट में छोटे हिस्सों पर भी ध्यान दिया जाता है। प्रोवाइड रिमेडियल फीडबैक, उपचारात्मक प्रतिक्रिया उपलब्ध कराता है, मैंने अभी बताया था रिमेडियल फीडबैक टीचर को टीचर प्रोवाइड कराता है फॉर्मेटिव में। रिकॉग्नाइज एंड एनकरेज नॉन एकेडमिक एबिलिटीज़, गैर शैक्षणिक योग्यताओं की पहचान कराता है, उनको बढ़ावा देता है, बिल्कुल ठीक है। रिकॉग्नाइज एंड एनकरेज नॉन एकेडमिक एबिलिटीज़ भी, तो सबसे फर्स्ट है बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाता है, फर्स्ट ऑप्शन। एनकरेज स्पिरिट ऑफ कंपटीशन अमॉन्ग द स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। विच इज नॉट वन ऑफ द वे टू रिड्यूस एग्जाम एंग्जाइटी अमॉन्ग द स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सा है, परीक्षा उत्तेजना कहा है, उत्तेजना की जगह तनाव आएगा, या विद्यार्थी में परीक्षा तनाव को घटाने का कौन सा एक सही तरीका नहीं है। यहाँ नोट पे ध्यान दिया करो, क्वेश्चन जब पढ़ते हो ध्यान दिया करो, नहीं का पूछा हुआ नोट नहीं है। अवॉइड बेसिंग मोस्ट ऑफ द ग्रेड्स ऑन 1 to 2 ग्रेड्स, अधिकांश ग्रेड को 1 या 2 ग्रेड्स पर आधारित करने से बचना, ये तो है कम करने का तरीका। एम्फेसिस ऑन रिटन टेस्ट, लिखित परीक्षाओं पर जोर देना, बिल्कुल नहीं है। सिर्फ आप लिखित परीक्षाओं पर जोर दोगे तो बच्चों में तनाव आएगा ही आएगा, इसके अलावा और बहुत से मेथड इवेल्युएशन के, तो उन पर ध्यान देना चाहिए। थर्ड है अवॉइड अननेसेसरी टाइम प्रेशर, अनावश्यक समय दबाव से बचना, ये बिल्कुल एक तरीका है उनका तनाव को कम करने का, उनकी एंग्जाइटी को कम करने का। प्रोवाइड क्लियरिटी रिगार्डिंग सिलेबस फॉर एग्जाम, परीक्षा के पाठ्यक्रम के संबंध में स्पष्टता उपलब्ध कराना, ये भी उनका तनाव कम करने का एक तरीका है। तो लिखित परीक्षा पर जोर देना, एम्फेसाइज ऑन रिटन टेस्ट,
ये तरीका नहीं है उनकी एंग्जाइटी को, एग्ज़ाम से रिलेटेड एंग्जाइटी को कम करने का। इस टॉपिक में इतना ही, थैंक यू।